हेलो फ्रेंड्स, तो सभी कैसे हैं? आई होप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने कैसे निकालते हैं। जैसे दो कोई चार्ज दे रखे हों तो उनके बीच में कैसे फोर्स निकालते हैं, चार्ज के बारे में पढ़ाया था, चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ाया था और सुपरपोजिशन और प्रिंसिपल के बारे में पढ़ाया था। तो हम इस लेक्चर टू में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो अभी हम देखते हैं, चलो मेरे साथ देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है और हमको बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो यहाँ पे हम भी लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की हम पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या होगी? द रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच एनोदर चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स। मतलब कोई चार्ज है, जैसे ये कोई प्लस चार्ज है, तो इस प्लस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो आउटवर्ड होती है। तो इसकी फील्ड ये आउटवर्ड हो गई। तो आपको जैसा दिखाई दे रहा होगा इसमें कि इसकी फील्ड आउटवर्ड है। अगर इसमें हमने कोई पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रख दिया, कोई क्यू नॉट टेस्ट चार्ज रख दिया इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इस चार्ज की वजह से इस चार्ज पे जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। तो जैसे हमने देखा कि अगर ये पॉजिटिव है तो इसकी फील्ड थी वो आउटवर्ड थी। कहाँ थी आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यही चार्ज नेगेटिव होता तो क्या होता? जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे अगर ये चार्ज नेगेटिव है तो क्या होती? इसकी फील्ड जो होती वो इनवर्ड होती। कहाँ होती? इनवर्ड। तो जब नेगेटिव चार्ज होता है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होती है, और जो पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आउटवर्ड होती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने डेफिनेशन देख ली है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या होती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की हम स्ट्रेंथ की बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ज्यादा होगी कहाँ कम होगी, तो जैसे कोई पैरेलल लाइंस दी है, जैसे ये दी रखी है, ये पैरेलल लाइन है। तो पैरेलल लाइन में क्या होता है कि सारी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? यूनिफॉर्म होती है। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो सेम है सबके बीच में। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली हैं उनके बीच में डिस्टेंस क्या है? सेम है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी? यूनिफॉर्म। अगर यहीं पर अगर ऐसे होता, कैसे ऐसे और यहाँ पे दूर दूर, तो जो पास पास में है, बहुत पास पास में है, तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा होगी, क्योंकि इनके बीच में थोड़ी डिस्टेंस है और ये बहुत बहुत पास पास हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे ज्यादा होगी, यहाँ पे कम होगी। यहाँ पे क्या होगी? ज्यादा होगी और यहाँ पे कम होगी। तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ लिया, तो अभी मैं इसे मिटाता हूँ, तब तक नोट डाउन कीजिए। अभी हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। पॉजिटिव चार्ज की आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसकी इनवर्ड होती है। अगर पैरेलल लाइंस हैं तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रहती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो ज्यादा हैं और कहीं दूर दूर हैं, तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पास पास में है उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। तो अभी हम देखेंगे कि नेक्स्ट हम मैथमेटिकली कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि मैथमेटिकली इसको कैसे डिफाइन करते हैं। तो यहां पे लिखते हैं मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज।
तो जो हमारा टेस्ट चार्ज है वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अभी देखा ही था मैथमेटिकली। इसका फॉर्मूला भी क्या होगा, ई इजकल टू फोर्स फोर्स अपॉन क्यू नॉट। तो जो मैथमेटिकली हमने लिखा है उसी को हमने ये रखा है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, तो इसको आप थ्री स्टार लगा लीजिए और इसको याद रखना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। और जो क्यू नॉट है वो क्या है, टेस्ट चार्ज जो हमने टेस्टिंग के लिए उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ में रखा था। जो टेस्ट चार्ज होता है वो क्या होता है, वेरी स्मॉल। तो ये टेस्ट चार्ज होता है वो बहुत स्मॉल होता है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वेक्टर क्वांटिटी है, अगर हम यहां से इसकी यूनिट देखें इलेक्ट्रिक फील्ड की तो क्या हो जाएगी, फोर्स की क्या होती है न्यूटन, और चार्ज की क्या होती है कूलम्ब, तो न्यूटन पर कूलम्ब, तो इसकी यूनिट ये हो जाएगी। अगर हम ऐसे ही अगर इसको देखें जैसे क्यू चार्ज है और यहां पे ये क्यू नॉट रखा है, तो इसकी इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, तो हमने फोर्स का क्या पढ़ा था, फोर्स इज इक्वल टू क्यू क्यू नॉट के क्यू क्यू नॉट बाई ये डिस्टेंस आर है, तो क्या हो जाता आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या लिखा था, फोर्स अपॉन क्यू नॉट। तो यहां से हम क्या फॉर्मूला निकाल सकते हैं, E इजकल टू क्या होगा, अगर यहां पे हम फोर्स है यहां पे रखते हैं क्यू नॉट यहां पे रखते हैं, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बचेगी, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो हमारा फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो गया, ये। तो इसको आप याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला दोनों ही याद रखने हैं। अगर कोई पूछे फोर्स इक्वल टू क्या होता है, तो हम यहां से निकाल सकते हैं फोर्स इक्वल टू यहां पे क्या लिख सकते हैं, क्यू ई चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स। तो हमने फोर्स निकालना भी सीख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना सीख लिया। अगर कोई चार्ज के दो चार्ज दे रखे हैं तो उनके बीच के फोर्स निकालते हैं कैसे निकालते हैं वो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा ही था, और इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम क्यू वाई आर स्क्वायर करके निकाल सकते हैं। तो आप अभी इससे नोट डाउन कीजिए, अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं अच्छा सा जो तो फ्रेंड्स अभी हम करने जा रहे हैं एक अच्छा सा क्वेश्चन है जेई मेंस का। जैसे कि क्वेश्चन दे रखा है क्या, क्वेश्चन दे रखा है कि कोई एक स्क्वायर है, ये हम एक स्क्वायर बना लेते हैं, इस पे यहां क्यू वाई टू चार्ज रखा है, यहां क्यू वाई टू चार्ज रखा है, ये ए बी सी एंड डी, और बी वाले पे क्यू चार्ज रखा है, और इसकी साइड है ए, जो ए दे रखी है साइड इसकी। तो हमें पूछा है फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट डी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें मैग्नीट्यूड निकालना है कि डी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लगेगी। तो आओ चलो देखते हैं, जैसे ये सी पॉइंट से इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी क्योंकि सारे हमारे लाइक चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, तो हम क्या करेंगे इस तरफ से यहाँ क्या लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगेगी वो इवन ले लेते हैं, क्या इवन, और ये डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस सेम है, और यहाँ पे क्यू वाई टू चार्ज रखा है, और यहाँ पर भी क्या रखा है क्यू वाई टू, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दोनों का सेम रहेगा ना, तो हम दोनों को इवन मान लेते हैं, तो ये इवन होगा। और जो Q है Q की तरफ से क्या होगा, तो ये है डिस्टेंस हमारी यहां से इतनी, ये डिस्टेंस क्या हो जाती है, ये रूट टू ए, तो ये इसको क्या मान लेते हैं हम ई टू। तो हमने वेक्टर में पढ़ा था कि अगर ऐसे दे रखा हो और ये 90 डिग्री पे है इवन और ये इवन, तो ये दोनों 90 डिग्री पे हैं, तो इनका रिजल्टेंट कहाँ आएगा 45 डिग्री पे यहाँ पे, और जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होगा रूट टू इवन, क्या होगा रूट टू इवन, तो इसका ये रिजल्टेंट
दे रखा है और हमें पहले से E2 इस डायरेक्शन में दे रखी है, तो ये क्या है E2। तो हमारा नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड है वो क्या आएगी E2 प्लस रूट टू E1। तो यहाँ पे E नेट लिख सकते हैं हम क्या, E नेट इज इक्वल टू E2 प्लस रूट टू E1। तो ये हमें ऐसे निकाल लिया, लेकिन E2 कैसे निकालेंगे, जैसे हमने यहाँ पे E2 दे रखा है, चार्ज Q दे रखा है, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने पढ़ा था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में हमने देखा रहा था कि आर क्या, आर यहाँ से डिस्टेंस है, इस चार्ज की इससे इस चार्ज की यहाँ तक जो डिस्टेंस दे रखी है। तो E2 क्या हो जाएगा, E2 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी है रूट टू ए, तो के क्यू चार्ज अपॉन ये डिस्टेंस कितनी है रूट टू ए, अगर इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा टू ए स्क्वायर प्लस यहां से यहां तक कितना हो जाएगा रूट टू, ये दे रखा है ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर कितना हुआ यहां से यहां तक ए का स्क्वायर, ये नाइन नहीं है ये ए है, क्या ए का स्क्वायर। तो ऐसे करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं कि इस पर कितना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं क्या, के की कॉमन ले लीजिए के क्यू, तो वन अपॉन टू ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर भी बार अगर हम कॉमन ले लेंगे बार तो वन बाई टू प्लस टू टू, ये आंसर आ जाएगा इसका। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितनी भी इतनी इसकी आंसर आ गया। तो हम ये अच्छा सा क्वेश्चन था, हमने एक सीख लिया है। तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि हम दो अगर चार्ज दे रखे हैं उनका इलेक्ट्रिक फील्ड किसी का इधर होगा किसी का इधर होगा, तो इसमें सुपर प्रिंसिपल भी लॉ यूज कर सकते हैं, लेकिन हम नल पॉइंट निकालना सीखेंगे कि कहीं पर भी तो एक पॉइंट होगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। तो अभी ये नोट डाउन कर लीजिए, तो उसके बाद हम सीखेंगे नल पॉइंट निकालना। तो जैसा कि अभी हमने एक क्वेश्चन किया तो उसमें हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाला कितना आया, तो अभी हम देखते हैं कि दो चार्ज दे रखे हैं तो उनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का नल पॉइंट होगा वो कहाँ होगा, कहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। तो नल पॉइंट क्या होता है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रही हो, जैसे कोई तो चार्ज है ये नाइन क्यू चार्ज है और यहाँ पे ए दे रखा है आपका सिक्सटीन क्यू चार्ज, दो चार्ज दे रखे हैं ठीक है, तो इनका हमें नल पॉइंट निकालना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का नल पॉइंट आएगा तो वो कहाँ आएगा। तो पहले हम इसके रीजन देख लेते हैं कहाँ हो सकता है, तो एक तो इसके बीच में ये जो चार्ज हैं इनके बीच में होगा या फिर इस तरफ होगा या इस तरफ होगा, तो जो 9q है वो कहाँ लगाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, इसको मान लेते हैं हम E1, और जो 16q है ये 16q चार्ज दे रखा है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस तरफ होगा आउटवर्ड रहता है ना, जैसे मैंने अभी पढ़ाया था कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से जो फील्ड रहती है वो आउटवर्ड रहती है, तो इसकी वजह से इस तरफ हुआ और इस तरफ हुआ आउटवर्ड है ना ऊपर नीचे, और जो 16 की वजह से इस तरफ होगा और इस तरफ होगा, किस तरफ होगा इस तरफ और यहाँ पे इस तरफ, तो इसकी वजह से जो 9 की है इसकी वजह से E1 यहाँ पे भी होगा और यहाँ पर भी होगा, तो E1 की तरफ से और ये इसको इसकी वजह से जो फील्ड है उसको हमने E2 माना है, तो ये सेम डायरेक्शन में हो गए, तो 16 क्यू है इसकी तरफ से भी इस तरफ होगा यहाँ पे, तो ये E2 की तरफ से और ये E1 की तरफ से, मतलब 9 क्यू की चार्ज की तरफ से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में लगेगी और जो 16 क्यू की तरफ से वो इस डायरेक्शन में लगेगी इस रीजन में, किस वाले इस वाले रीजन में, और जो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ये है ये वाला यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक दूसरे के अवॉइड लग रही है, और जो रीजन ये वाला है इसमें भी सेम डायरेक्शन में दोनों लग रही है, तो नल पॉइंट कहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे तो नहीं हो सकता क्योंकि दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, और यहाँ पे देखें तो यहाँ पर भी नहीं हो सकता क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो नल पॉइंट कहाँ पे हो सकता है यहाँ पे, तो हमने देखा कि जो E1 की तरफ से इस तरफ है और E2 की तरफ से इस तरफ है, 16 जो Q है उसकी तरफ से E2 मान ली हमने, तो यहाँ पे नल पॉइंट हो सकता है, तो ये नल पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी यहां से यहां तक, डिस्टेंस कितनी होगी
हम कैसे निकालेंगे? तो चलो अभी निकाल के दिखाते हैं कैसे निकालते हैं। तो मेरे साथ सीखिए कि जो डिस्टेंस है नल पॉइंट की वो कैसे निकालते हैं। तो यहां से यहां का कि ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इसको मान लेते हैं एक्स। अगर यहां तक ये डिस्टेंस हमें पूरी कितनी दे रखी है, डी दे रखी है, तो यहां से यहां तक की कितनी हो जाएगी, नल पॉइंट अगर यहां पे है, सपोज अभी कर लेते हैं कि यहां पर है, तो यहां तक हमने एक्स ले ली, तो बची जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डी माइनस एक्स। कहां तक? यहां तक ये डिस्टेंस डी माइनस एक्स हो जाएगी, डी माइनस एक्स। तो ये डिस्टेंस एक्स हो गई, ये डी माइनस एक्स हो गई। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो यहां पे हम निकाल लेते हैं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू, तो चार्ज कितना है, नाइन क्यू के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, इस जो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो और इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों इक्वल होंगी ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 is equal to E2, is equal to हम यहां से देख लेते हैं। तो 9K 9Q, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, KQ by R square, E is equal to, तो ये ध्यान रखना, उसी से हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो K 9Q by X square हो गया, यहां पे किसकी वजह से, 9Q की वजह से। अब 16Q की वजह से क्या होगा, E2, तो E2 कितना होगा, K 16Q by आर, आर कितना हो गया हमारा, डी माइनस एक्स का स्क्वायर। तो यहां पे हम क्या करेंगे, अभी हम इसको सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं इसका, कैसे, के से के काट दो, क्यू से क्यू काट दो, तो क्या बचा, यहां पे क्या बचा, डी माइनस एक्स इज इक्वल टू 16 बाई थ्री एक्स स्क्वायर। तो यहां पे इसका होल स्क्वायर था, तो हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, डी माइनस एक्स इज इक्वल टू, अगर इसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा तो क्या आएगा, फोर बाई थ्री एक्स, ये एक्स बचेगा, ये वाला थ्री कहां से, नहीं नाइन होगा ना, यहाँ पे नीचे नाइन आएगा, नाइन, तो यहाँ पे हो जाएगा थ्री, फोर बाई थ्री एक्स। तो ये जो थ्री है वो हम इसे इधर ला सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, थ्री डी माइनस के थ्री एक्स इज इक्वल टू फोर एक्स, ये हो गया। तो जो 3x है इसको हम उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एड हो जाएगा, तो 3d डी इजकल टू क्या हो जाएगा, यहां से इस तरफ देखिए 3d डी इजकल टू 7x और d इजकल टू क्या हो जाएगा, 7x by 3। तो यहां से हमने जो d है वो निकाल ली, तो d हमें दे रखी होगी उस क्वेश्चन में, तो यहां पे हम d पुट कर देंगे तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं, आराम से निकाल लेंगे हमें, और d की वैल्यू दे रखी होगी हम तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमने एक क्वेश्चन का नल पॉइंट कैसे निकाला, दोनों लाइक चार्ज थे, ये भी पॉजिटिव था ये भी पॉजिटिव था, इसको इसका हमें नल पॉइंट निकालना था कि कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। तो हमने बड़ी आसानी से निकाल लिया कि डी एक्स इज इक्वल टू, हम एक्स इज इक्वल टू निकाल सकते हैं ना, एक्स इज इक्वल टू थ्री डी बाई सेवन, तो इस डिस्टेंस पे हमारा नल पॉइंट मिलेगा। तो इसको हमने इतने लंबे तरीके से किया, इतना एग्जाम में तो टाइम नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, इसको बहुत छोटे से तरीके से करेंगे। तो अभी आप इसे नोट डाउन कीजिए, हम नेक्स्ट वाले मतलब पेज पे क्या करेंगे, इसका शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। तो अभी हमने देखा था कि नल पॉइंट हमने कैसे निकाला था, तो उसी नल पॉइंट की हम लाइक चार्ज सिस्टम के लिए शॉर्ट ट्रिक देखने जा रहे हैं। जैसे कि अभी हमने देखा था, क्या देखा था कि जैसे यहाँ पे कितना दे रखा था, 9Q, और यहाँ कितना दे रखा था, 16Q। तो इसका जो इनसाइड रीजन था वो ये हो गया, आउटर रीजन क्या होगा, आउटर रीजन इस वाला, ये वाला और इस साइड, ये क्या हो गया आउटर रीजन, ये क्या हो गया राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये इनसाइड। तो ये आउटर साइड इनसाइड, तो इसका नल पॉइंट कहां था, हमने देखा था कि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो यहां पे थी, इसको मान लेते हैं ई टू, और इसकी वजह से भी आउटवर्ड यहाँ पे इस पॉइंट पे, यहाँ पे अगर कोई पॉइंट ले लेते हैं तो इसकी वजह से इस पे इस साइड थी, तो E1 भी इस तरफ थी। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं तो 9 की Q की वजह से क्या होती है, आउटवर्ड होती है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से E1 से इस तरफ थी, और इसी पॉइंट पे 16 Q की वजह से भी इस तरफ थी। तो हमने देखा था कि इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, तो जैसे ये पॉइंट ले लिया हमने,
तो यहाँ पे इसकी वजह से आउटपुट होगी ना, तो इसकी वजह से इस तरफ हो जाएगी E1, और सिक्सटीन क्यूब की वजह से आउटपुट होगी तो इस तरफ हो जाएगी E2, इसकी वजह से E2, इसकी वजह से E1 इस तरफ। तो हमारा नल पॉइंट यहीं कहीं होगा। तो मान लीजिए ये हमारा नल पॉइंट है, तो यहां से ये नल पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है x, और ये जो बची थी वो डी माइनस एक्स थी। तो हमें निकालना था शॉर्ट ट्रिक से कि x कितनी होगी। तो हम यहां पे लिख सकते हैं क्या, फोर लाइक चार सिस्टम नल पॉइंट विल बी इनसाइड रीजन एंड क्लोजर टू स्मॉलर मैग्नीट्यूड चार्ज। तो जो स्मॉल चार्ज है इसके पास में ही हमें कोई नल पॉइंट मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन में हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, कि Q/R², ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा था। तो यहाँ पे R डिस्टेंस, ये मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो इसके लिए डिस्टेंस हमें ज्यादा चाहिए, तो ज्यादा डिस्टेंस चाहिए तो इसके पास आ जाएगा, इससे आप ऑब्जर्व कर सकते हो। तो हमने एक शॉर्ट ट्रिक पढ़नी थी, तो x निकालना था कि कितनी, मतलब स्मॉलर जो चार्ज है वहां से x कितनी दूर होगा जिससे हम नल पॉइंट फाइंड कर सकें। तो x कैसे निकालेंगे, x = d, ये डिस्टेंस यहां तक दे रखी थी ना d, तो ये डिस्टेंस d थी, तो d/, यहां पे रूट में रहता है बिग q/q, ये यहां पे +1, ये +1 बाहर रहता है, और बिग q मतलब जो 16q/9q+1, और ये d डिस्टेंस हमें दे रखी है। तो ये वाला फॉर्मूला हम याद रख सकते हैं, ये शॉर्ट ट्रिक है बहुत अच्छी जब हमें नल पॉइंट निकालना हो, तो एज ए शॉर्ट ट्रिक या फिर फॉर्मूले हम इसको याद कर सकते हैं। ये जेई मेंस या नीट के क्वेश्चन में हमारा टाइम बहुत ही बचाएगा, और हमें इसका टाइम कहीं दूसरे क्वेश्चन पे लगा सकते हैं। तो हमने ये लाइक चार्ज सिस्टम के लिए पढ़ा कि दोनों लाइक चार्ज हैं, अगर यहाँ पे एक 9 की होता या -16 की होता तो कैसे निकालते, तो उसके लिए आप ये नोट डाउन कर लीजिए। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं कि यहाँ पे क्या होगा। तो अभी हमने नल पॉइंट पढ़ लिया था कि अगर हमें लाइक चार्ज सिस्टम दे रखा है तो हम नल पॉइंट कैसे निकालते हैं वो हम देख चुके हैं। अब हम देखने जा रहे हैं कि अनलाइक चार्ज सिस्टम है तो उसका नल पॉइंट कैसे निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है क्या 9q, और यहाँ पे दे रखा है 16q। तो अभी हमने सीखा था कि इसका जो नल पॉइंट है वो कहाँ होगा, ये वाला माइनस के 16q, तो इनका जो रीजन है ये इनसाइड हो गया और ये आउटसाइड हो गया, तो इनका नल पॉइंट आउटसाइड मिलता है। आउटसाइड कहाँ मिलता है, दोनों साइड आउटसाइड ही है, इनसाइड तो एक ही है, तो कहाँ मिलेगा। तो हम देखते हैं कि जो 9q की वजह से कहाँ लगेगा, जैसे यहाँ पे अगर हम कोई पॉइंट ले लेते हैं तो 9q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी, इस तरफ होगी, और जो 16q की तरफ से ये माइनस का है तो माइनस के लिए इनवर्ड होती है, जैसे अगर माइनस का कोई चार्ज रहता है तो उसकी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ रहती है, इनवर्ड रहती है कि नहीं रहती है, इनवर्ड होती है, और पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड। तो 9q पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से हो गया आउटवर्ड, और जो 16q है इसकी वजह से इस पॉइंट पे फील्ड कितनी हुई, इनवर्ड, तो यहाँ हो गई। हो सकता है कि नल पॉइंट हमें यहाँ मिल जाए। अब इसी को हम इस तरफ देख सकते हैं कि जो 16q है यहाँ अगर पॉइंट ले लें हम तो 16q की वजह से क्या होगी, इनवर्ड होगी, तो यहाँ पे इनवर्ड हो जाएगी, और 9q की वजह से इस पॉइंट पे कहाँ पे होगी, इस तरफ क्या हो जाएगी, आउटवर्ड तरफ। अगर इसकी वजह से अगर E1 मान रहे हैं हम तो इसको E2 मान लो, इसकी तरफ E1 और ये E2, जो 9Q की वजह से फील्ड लग रही है उसको E1 मान लेते हैं हम। तो
तो यहाँ पे अगर नल पॉइंट अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो इसकी वजह से तो इस तरफ होगी E1 की वजह से, और इस पॉइंट पर 16Q की वजह से भी इस तरफ ही होगी, किस तरफ, इस तरफ E2 और E1 की तरफ से। तो ये तो सेम डायरेक्शन में हो गए, तो यहाँ तो नल पॉइंट मिलना नहीं है हमें, मिलेगा कहाँ, इस रीजन में या इस रीजन में। तो हम उसी फॉर्मूले से, किससे, E=KQ/R², इससे हम ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि नल पॉइंट हमें कहाँ मिलता है, जहां पे चार्ज का मैग्नीट्यूड स्मॉल होता है। चार्ज का मैग्नीट्यूड मतलब हमें साइंस से मतलब नहीं है कि चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होगा, छोटा है। तो 9Q 16Q किसका मैग्नीट्यूड छोटा है, 9Q वाला। तो नल पॉइंट कहाँ होगा, इसी की साइड, तो हमारा ये नल पॉइंट यहाँ पे होगा। तो इसकी जो डिस्टेंस है यहां से एक्स, तो ये एक्स कैसे निकालेंगे, तो फोर अनलाइक चार्ज सिस्टम नल पॉइंट लाइज आउटसाइड रीजन, कहां पे, आउटसाइड रीजन, कहां होगा, आउटसाइड रीजन में, क्लोजर फ्रॉम स्मॉलर चार्ज मैग्नीट्यूड। तो जो स्मॉल चार्ज होगा वहां से हम जो एक्स निकालेंगे वहीं पर नल पॉइंट होगा इन केस ऑफ अनलाइक चार्ज सिस्टम। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, क्या होगा, x=d, हम देख चुके थे यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या थी, ये डी, तो √ में हम लेते हैं क्या, क्यू बिग अपॉन यहां पे क्यू स्मॉल, यहां पे क्या करते हैं -1, जब लाइक चार्ज सिस्टम था हमने तब +1 किया था, अनलाइक चार्ज सिस्टम है तो हम क्या करेंगे -1। तो इस फॉर्मूले को भी और इस ट्रिक को भी याद रखना है, क्या याद रखना है। तो अब इसी को हम यहाँ पे देख सकते हैं, अगर इसमें रख के देखें तो ये 9Q दे रखा है, 16Q दे रखा है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, हम मैग्नीट्यूड लगा सकते हैं, ठीक है, क्या हम मॉड लगा दे रहे हैं जिससे कि हम हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही फाइंड करें। अब ये जैसे -16 दे रखा है तो यहाँ पे 16/9 हो जाएगा, क्या होगा, x=d/√16/9 है, √16/9, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4/3 -1। तो यहाँ पे x=2 क्या हो जाएगा, x=3d, क्योंकि 4/3 -1 1/3, तो क्या हो जाएगा x=3d। तो हम यहां से निकाल चुके हैं कि नल पॉइंट कहाँ होगा, x=3d पे हमें नल पॉइंट फाइंड होगा, कहाँ, अनलाइक चार्ज सिस्टम में। तो हमने नल पॉइंट निकालना सीख लिया है, तो आप अभी इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स अभी हमने सीखा था कि हम नल पॉइंट कैसे निकालते हैं, तो अब हम सीखेंगे कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किसी वायर की या फिर कोई एक रॉड है उसकी, कैसे, कि जैसे कि अगर हमें दे रखा है क्या, ये इनफाइनाइट वायर दे रखा है, कोई वायर है जिसपे इनफाइनाइट चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इनफाइनाइट है, ये कोई वायर दे रखी है और हमें पूछा है कि ये r डिस्टेंस दूर, यहाँ पे ये r डिस्टेंस दूर एक कोई पॉइंट है, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितनी होगी। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पूछी है कि कितनी होगी इस पे, तो हम क्या करेंगे, अगर ये यहाँ फाइनाइट है, ये फाइनाइट है तो हम क्या करेंगे, जैसे हमें अगर दे रखा है ये बीटा एंगल है और यहाँ से अल्फा एंगल है और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो एक इस डायरेक्शन में मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड और हमें ये ई परपेंडिकुलर, ये इस वायर के परपेंडिकुलर है ना, ई परपेंडिकुलर होगी और ई एक पैरेलल भी होगी, ई पैरेलल। तो हमें इसकी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, अगर ई हमें परपेंडिकुलर निकालनी है तो क्या करेंगे, ई परपेंडिकुलर =Kλ/d, अगर ये चलो आर है तो आर ले लेते हैं,
लेकिन हम यहाँ पे ये डिस्टेंस डी ले लेते हैं क्योंकि ज्यादातर डी यूज करते हैं ना, तो हमें फॉर्मूला याद करने में आसानी रहती है। तो के लैम्डा बाई डी, और हम क्या करेंगे यहाँ पे साइन अल्फा प्लस के साइन बीटा, तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है कि ई परपेंडिकुलर निकालना है तो के लैम्डा बाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, अल्फा बीटा एंगल दे रखे हैं। अगर हमें ई क्या निकालना है पैरेलल ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या करेंगे सेम यही रहेगा लेकिन क्या होगा यहाँ कॉस अल्फा माइनस के कॉस बीटा हो जाएगा, तो क्या होगा के लैम्डा बाई डी कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। तो इसको भी हमें याद रखना है कि ई परपेंडिकुलर निकाल पूछ रहा है या फिर ये पैरेलल, तो जो भी हमें पूछेगा हम इस फॉर्मूले से निकाल देंगे, इसका डेरिवेशन की हमें जरूरत नहीं है। अगर निकालना है आपको तो अगर ये इसका डेरिवेशन भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए तो मैं आपको करा दूंगा, लेकिन आपको हिंट दे रहा हूँ कि आप इसमें इंटीग्रेशन कर सकते हैं और इंटीग्रेशन करके आप इसका डेरिवेशन आसानी से कर लोगे। अगर ये तो क्या थी फाइनाइट रॉड थी, अगर इनफाइनाइट रॉड होती तो क्या होता, हमने इसका देख लिया है यहीं पे हम देख लेते हैं कि अगर यही रॉड क्या होती इनफाइनाइट होती तो किसी पॉइंट पे हमें पूछता कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगेगा, तो हम डायरेक्ट निकाल देते कैसे, जैसे ये कोई वायर है ये इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये इनफाइनाइट इधर है और ये इनफाइनाइट इधर है, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर पॉइंट ए रहा यहाँ पे, अगर आर डिस्टेंस दूर है तो हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है यहाँ पे तो क्या करेंगे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो क्या करेंगे, इसमें कोई परपेंडिकुलर वो पैरेलल वाला नहीं रहेगा क्योंकि इनफाइनाइट में दोनों कंपोनेंट क्या होते हैं 90 डिग्री पे हो जाते हैं, जैसे 90 डिग्री पे हो गए ना तो क्या होगा साइन 90 और ये 90 तो क्या हो जाएंगे साइन 90 की वैल्यू 1 होती है ना, तो 2 के लैम्डा बाई डी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी 2 के लैम्डा बाई डी। तो मैं ये बताना भूल गया अभी कि ये लैम्डा क्या होता है, तो लैम्डा क्या होता है लैम्डा इज इक्वल टू लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, जैसे 1 मीटर में कितने कूलम चार्ज है उसको कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो आपको लैम्डा बता दिया, अगर फाइनाइट रॉड है तो हम ई परपेंडिकुलर के लैम्डा बाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा करके निकाल देंगे, अगर ई पर पैरेलल निकालनी है तो के लैम्डा बाई डी कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, अगर हमें इनफाइनाइट रॉड दे रखी है इनफाइनाइट वायर दे रखी है, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो क्या करेंगे 2 के लैम्डा बाई डी। तो आपको मैंने अभी हम बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने को और भी बाकी है लेकिन आज के लिए इतना ही काफी है, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ाएंगे कि रिंग है रिंग के सेंटर पे कितना होता है, अगर कोई रिंग है उसको काट दिया तो उसके सेंटर पे क्या होता है, और भी बहुत सारे फिगर्स हैं उनमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे। तो अभी के लिए और आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफी है, तो आप सभी लोग सपोर्ट करते रहिए और ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए और चैनल को लाइक या सब्सक्राइब करते रहिए। तो मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू अगेन।